العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار صلوات الله أيضا نگرانی ہماری زندگی کا مرحلہ چاہے اس دنیا کا ہو یا اس دنیا کے بعد برزخ و آخرت کا مرحلہ ہو ظاہر سی بات ہے ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہو ہم اپنی زندگی میں سرخرو رہیں زندگی کی خوشگواری اور سرخروئی کی بنیاد اور اساس یہ ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو انتظام پروردگار نے ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا ہے جو سسٹم اللہ نے دنیا و آخرت میں سرخروئی کے لیے معین کیا ہے اس سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر ہم نے اس نظام کو اس سسٹم کو فالو کر لیا اس کے مطابق اگر اپنی زندگی کو ہم بسر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے اور اگر خدا نخواستہ اس سسٹم سے انحراف اختیار کر لیا اس نظام کو نظر انداز کر دیا اگر ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ٹھکرا کر کے دنیا والوں کے نظام پر چلنا اگر شروع کر دیا تو خسر دنیا والآخرہ دنیا بھی تباہ و برباد آخرت بھی تباہ و برباد نہ دنیا میں چین اور سکون ملے گا نہ آخرت میں چین اور سکون ملے گا دنیا میں دولت مل سکتی ہے اقتدار مل سکتا ہے شہرت مل سکتی ہے لیکن انسان کی آرزو اور انسان کی تمنا انسان کی طلب نہ دولت ہے نہ شہرت ہے نہ اقتدار ہے اس کی اصل خواہش سکون ہے چونکہ تصور اس کا یہ ہے کہ دولت مل گئی تو سکون زندگی میں آ جائے گا کرسی اگر ہاتھ میں آ گئی پاور اگر مل گیا تو دل کو سکون مل جائے گا اس لیے وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اس لیے وہ کرسی کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن عزیزو دولت مل جاتی ہے اقتدار مل جاتا ہے پاور مل جاتا ہے جس چیز کو انسان ترستا رہتا ہے وہ ہے چین اور سکون بظاہر یزید کو کربلا میں سب کچھ مل گیا نا بظاہر جو مقابلے میں یزید کے تھا جو یزید کی اقتدار کو چیلنج کر رہا تھا بظاہر تو یزید نے اسے ختم کر دیا بظاہر اس نے ان کے کنبے کو اسیر کر کے در بدر پھرا کر کے
अपने ख्याल में खुद को इज्जत बख्श दी और उन्हें जिल्लत से दुचार कर दिया। लेकिन यजीद को तारीख गवाह है कि यजीद को चैन नहीं मिला करबला के, सोने के लिए तरस गया, नींद के लिए तरस गया। तो जो निजाम अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो निजाम तौहीद का निजाम, बुनियाद इस सिस्टम की, असास इस सिस्टम की, फाउंडेशन इस सिस्टम की जो है वो तौहीद है। अगर तौहीद है इंसान के पास तो इंसान दुनिया में भी पुरसकून रहेगा, आखिरत में भी पुरसकून रहेगा। अगर कल्ब इंसान तौहीद से मालामाल है, प्यासा होगा, भूखा होगा, बदन जख्मों से चूर होगा, मगर इतना सुकून होगा कि परवरदिगार भी आवाज देगा, या ये तो हर नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जिअनी इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया। सलावात पढ़ेंगे, लेकिन अज़ीज़ो ये तौहीद सिर्फ जबान से अदा करने की चीज नहीं है। यकीनन पैगंबर ने फरमाया है कि समनुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह। जन्नत क्या है? जन्नत वो जगह जहां सुकून ही सुकून है, जहां कोई तकलीफ नहीं, जहां कोई परेशानी नहीं। जन्नत एक आखिरत की जन्नत है, जन्नत दुनिया की भी जन्नत है, लेकिन जन्नत से मुराद दौलत नहीं है, पावर नहीं है। जन्नत से मुराद सुकून है, इत्मीनान है। समनुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन ये जबान पे जारी होने वाला ये खुश्क लफ्ज नहीं है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी अदउकुम इला कलिमतैन खफीफतैन अलल लिसान व सकीलतैन फिल मीज़ान, मैं तुम्हें दो ऐसे जुमलों की तरफ दावत दे रहा हूं जो ज़बान के लिए, ज़बान पे तो बहुत आसान है लेकिन अमल के मीजान में बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। वो क्या है? फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जबान से अदा करना तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मीजान अमल में ये बहुत भारी है। जब मीजान अमल में ला इलाहा इल्लल्लाह को तौलेंगे, जब अमल के मैदान में आएंगे, तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह अगर वाकई मीजान अमल के ऊपर पूरा खरा उतर गया, तो फिर जिंदगी में ना हसद होगा, ना जिंदगी में बुख़ल होगा, ना जिंदगी में रियाकारी पाई जाएगी। क्योंकि कुरान मजीद की वाज़ह आयतें मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि तौहीद के मुनाफी है हसद, तौहीद के मुनाफी है बुख़ल और कंजूसी, तौहीद के मुनाफी है रियाकारी। क्योंकि अल्लाह का ऐलान है, पैगंबर ने भी कहा कि समनुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद है तो जन्नत भी है, तो जन्नत की कीमत ही तौहीद है। जब कीमत हमने चुका दिया, कीमत दे दिया, तो माल तो हमारा हो गया ना, हमें माल जा। लेकिन कुरान ये कहता है कि जिनके यहां रियाकारी पाई जाएगी, दिखावा पाया जाएगा, उनका ठिकाना जहन्नम है। ये तो नहीं हो सकता कि इंसान एक ही वक्त में जन्नत में भी रहे और जहन्नम में भी रहे। भैया जन्नत में रहेंगे या जहन्नम में रहेंगे? अगर तौहीद की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह है, अगर तौहीद की कीमत जन्नत है, जन्नत की कीमत तौहीद है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और मुवाहिद हो गए, तो जन्नत हमारी हो गई, फिर जहन्नम का क्या तसव्वुर? अगर कुरान कहता है कि रियाकार जहन्नम में जाएंगे, कुरान की आयत पढ़ो, फवैलुन लिल मुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون। वैल है उन लोगों के लिए, वैल का तर्जुमा बहुत से लोग कर देते, वाय है उनके लिए, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तर्जुमा
बैल का किया है, वो फरमाते बैल वल वैल इस्मु दरकतिन मिन दरकात जहन्नम, जहन्नम के तबकात में से एक तबके का नाम बैल है, एक तबके का नाम बैल है, एक तबके का नाम गई है, एक तबके का नाम सकर, अलग अलग नाम है, अलग अलग फ्लोर है, अलग अलग तबकात है, हर तबके का नाम अलग है, एक तबके का नाम है बैल। ये जहन्नम का तबका जिसका नाम बैल है किसके लिए है? लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज को अहमियत नहीं देते। अब इसे मुराद क्या है फिलहाल सुबह में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा ये मौजू नहीं है। जो नमाज को अहमियत नहीं, हल्का समझते हैं नमाज को, पढ़ लेंगे अजान हो रही, अरे भाई अजान का टाइम, नमाज का वक्त, अरे भाई पढ़ लेंगे जल्दी क्या है, अभी जरा खाना खा लें, अभी जरा टेलीफोन पे बात कर लें, अभी ग्राहक को सामान दे लें, अभी फला अभी फला अभी फला, वो बिल्कुल आखिर वक्त नमाज का आकर जल्दी जल्दी खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो भी कौवे वाली नमाज, जानते हैं कौवे वाली नमाज क्या होती है? सरकार अपनी वर्दवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, साहब पैगंबर के हुजूर में नमाज पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह वो रफ्तार है नमाज की, सजदे में गए नहीं टूट गए। तो सजदे में कम से कम जिक्र क्या है? तीन दफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या एक दफा सुभान रब्बी अला वबिहम्द, ये कम से कम है, इससे कम में नमाज नहीं होती है, इससे कम अगर है तो नमाज बातिल है। अब जाहिर सी बात है कि आप तीन दफा का सुभान अल्लाह भी कहना चाहें कुछ तो टाइम लगेगा ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या सुभान रब्बी अला वबिहम्द, उनका आलम यह था वो सजदे में गए, अभी सुबह कहा नहीं था कि शाम हो गई, अभी सुबह कलाम निकला था नहीं उठ गए, अरे भाई क्या हो गया? जब नमाज पढ़ चुके तो पैगंबर ने कहा कि नकरा का नकरिल गुरा, ये इस तरह से नमाज पढ़ रहे थे जैसे कौवा दाने पर चोंच मारता है। जब कौवा दाना चुगता क्या करता है? इधर मारा नहीं चोंच उठ गया, ये उस तरह से नमाज पढ़ रहे थे, नकरा का नकरिल गुरा, ये नमाज पढ़ रहे थे या कौवा दाने पर चोंच मार रहा? कुरान कहता है फलवैल लिल मुसल्लीन, वैल ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम है, ये जन्नत का तो तसव्वुर भी ना करें। फलवैल लिल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लदीना हुम युराऊन, उनके लिए वैल है जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, यमनउन अल माउन, और लोगों के जिंदगी के जरूरी सामान को रोक लेते हैं, खुद सदा नहीं करते, जकात नहीं देते, उनके लिए ये बैल है। एक मुवाहिद अगर वाकयन ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा जबान पर आया है, अगर जबान और दिल में इत्तेहाद है, यकजहती है, जो जबान पर है वही दिल में अगर है, तो फिर उसके यहां रियाकारी नहीं पाई जाएगी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रियाकारी शिर्क है, ये रिया जो है वही ना शिर्क का ज़ुल्म अज़ीम, कुरान क्या है सबसे बड़ा जुल्म कौन है? शिर्क है। हुज़ूर फरमाते इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र, उम्मत को खिताब करके, असहाब को खिताब करके हुज़ूर फरमाते तुम्हारे सिलसिले में मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है वो शिर्क असगर है। अगर जरा शिर्क अकबर तो नहीं ना है, बुतों की तो पूजा कोई नहीं करता है, बुतों की पूजा शिर्क अकबर है? नहीं नहीं, हम तो सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले कलमा पढ़ते हैं, हम कहां जाएंगे बुत के सामने? क्योंकि पैगंबर फरमाते हैं कि शिर्क अकबर से तो बच गए मगर शिर्क असगर का तुम्हारे बारे में खौफ है। इला या रसूलुल्लाह वम शिर्कुल असगर, ए अल्लाह के रसूल इस शिर्क असगर क्या है? क्या है ये शिर्क असगर जिसका जिसके बारे में आप हमसे खौफजदा हैं? हुजूर ने फरमाया अर्रिया,
दिखावा है, नमाज पढ़ रहे हैं दिखावे के लिए, मैं जिसे कर रहे हैं दिखावे के लिए, मैं जिसे पढ़ रहे हैं दिखावे के लिए, तबरुक बांट रहे हैं दिखावे के लिए, खैर खैरात कर रहे हैं दिखावे के लिए, चाहे वो इबादत खुदा हो या खिदमत खल्क खुदा हो, दोनों ही दिखावे के लिए। अरे उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, इज़ा जाअ अन्नासु यौमल क़ियामा قال الله عز وجل اذا جاء الناس يوم القيامه اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا। जैसे बातें हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें सवाब की तो उम्मीद रखते हैं ना, हम मजलिसों में आते हैं तो सवाब की उम्मीद लेकर के आते हैं, तो चाहे जान दिखावा हो, मजलिस पढ़ रहे हैं अवाम से भी वाही का और दादो दहिश के ख्वाहिशमंद है और अल्लाह से सवाब के भी तलबगार है, हम सब के सब तो है ना, उम्मीद लगाए बैठे हैं इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे बहिष्ट में जाएंगे, दो पैसा किसी को दिया उम्मीद है कि सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ा उम्मीद है कि सवाब मिलेगा, रोजा रखा उम्मीद है कि सवाब मिलेगा, ज़ियारत के लिए गए करबला गए वॉक करने के लिए इस उम्मीद में कि सवाब मिलेगा। इज़ा जाअ अन्नासु यौमल क़ियामा जब लोग अल्लाह की बारगाह में क़ियामत के दिन आएंगे, खुदाया सवाब, खुदाया मैंने मस्जिद में शरीक हुआ था सवाब, मैंने मस्जिद पढ़ी थी उसका सवाब, फला गरीब की मदद की थी उसका सवाब, फला मोमिन की हिमायत की थी उसका सवाब, जब लोग खुदा की बारगाह में सवाब लेने आएंगे अल्लाह का जवाब इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन, जाओ उन्हीं से सवाब मांगो जिन्हें दिखाने के लिए तुमने अमल अंजाम दिया था, आज में गए तो थे मार्केट में अपना एतबार बढ़ाने के लिए गए थे, क्रेडिट में इजाफे के लिए गए थे कि हाजी साहब हम लोग भरोसा करेंगे इनके ऊपर, मजलिस में तबरुक बांटा था बहुत शानदार तबरुक बांटा था इसलिए ताकि अपने भाई को डाउन करने के लिए, जिन्हें दिखाने के लिए तुमने अमल अंजाम दिया था जाके सवाब उनसे मांगो, मेरे पास क्या लेने आए हो, हल तजदूना इंदहुम मिन शय, जाओ देखो उनके पास तुम्हें कुछ मिलता है, वो क्या देंगे बेचारे, वो तो खुद परेशान है, उनका हाथ तो खुद ही खाली है, वो हमें क्या देंगे। तो जहां तौहीद दिल में घर बना ले, जहां तौहीद ने दिल में जगह बना ली है, तौहीद फकत जबान तक महदूद न हो, दिल की गहराइयों में अगर तौहीद उतर गया है तो अमल के मरहले में अर्ज किया कि न हसद होगा न बुख़ल होगा न रियाकारी होगी न वो इंसान गुनाहों के करीब जाएगा। हदीस का समझना खुद एक फन है, आजकल खुद बड़ी खतरनाक वबा चल निकल गई, किसी को कहीं कोई हदीस मिल गए फौरन वो जो है व्हाट्सएप के ऊपर पूरा इश्तेहार कर डालते हैं उस सिलसिले में। कुरान मजीद का भी मिजाज यही है और हदीसों का मिजाज भी यही है कि कुरान मजीद में एक बात यहां कही गई कि तशरीह दूसरी आयत में है, एक आयत को सिर्फ देख करके आप चाहे कुरान का मफहूम समझने नामुमकिन है, यही हाल हदीसों का है, एक बात एक हदीस में कही गई है उसके तशरीह और तफसीर दूसरी हदीस में है। जब तक सारी हदीसें आपकी निगाह में न हो तब तक आप किसी हदीस का मफहूम सही तरीके से समझने से कासिर हैं। बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं लोग एक हदीस को लेकर मिसाल के तौर पर मन बका अल हुसैन वजबत लहुल जन्ना, वो पैगंबर की हदीस है कि जो इमाम हुसैन पे रोए उस पर जन्नत वाजिब है, जो रोए शराबी रोए जुआरी रोए कातिल रोए गासिब रोए चोर रोए उचक्का रोए कोई भी रो जाए, वो यहां पर जो शर्त नहीं ना है मन बका अलर हुसैन या दूसरे में औ अब का औ तबा का रोए रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए उस पर जन्नत वाजिब, कोई शर्त नहीं कोई कंडीशन है, मोमिन हो गैर मोमिन हो कुछ भी हो फकत इमाम हुसैन पर रो दे। जब कूफे में अहले बैत का काफिला पहुंचा था तो लोग रोए थे कि नहीं रोए थे, किस पर रोए थे,
मजलूमियत अहले बैत भी तो रोए थे ना, उन्हीं पर रोए थे, उन पर भी दलदल बाजे। जिस लोग मैं हुसैन अल-यस्कर को लेकर के मैदान में आए, अल-यस्कर ने अपनी सूखी हो जबान सूखे होठों पर फेरना शुरू किया, लश्करे उमर साद रोया कि नहीं रोया, किस चीज में रो रहा था? वो मजलूमियत इमाम हुसैन में रो रहा था, मजलूमियत अल-यस्कर में रो रहा था। वो जन्नत वाले जन्नत, वो जन्नत वाले बहुत सारे अफराद हमारे हैं जो कहते नहीं नमाज वमाज क्या है, असली अदादारी है, असली इमाम हुसैन का गम यकीनन अदादारी है, इमाम हुसैन नेमत उज़्मा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इस तरह के हदीसों को देखने के बाद दो तरह के लोग जो है सामने आ जाते हैं, कुछ कहते हैं ये हदीस ही झूठी है, कुछ कहते हैं ये हदीस, बहुत गौर से सुनिएगा, कुछ जुमला मिस्र होने पाए, बहुत ही हसास मौजू मैंने छेड़ दिया है। कुछ कहते हैं ये हदीस ही झूठी है, क्योंकि हदीस जब कुरान से टकरा जाए तो फिर वो हदीस हदीस नहीं रह जाती, पैगंबर का कौल है। कुरान कहता है मैं यहां पर मिसकाल जर्रत शर नहीं गिरा हो, और यहां कहा जा रहा है नहीं साहब आप कुछ भी करें सिवा हुसैन पे रोड़े तो आप जन्नत में चले जाएंगे, ये तो कुरान के खिलाफ है, लिहाजा ये हदीस झूठी है। दूसरा नजरिया ये आता है कि नहीं नहीं हदीस के मुताबिक आप कुछ भी कर, कुछ भी आपको कोई नेक काम करने की जरूरत नहीं है, ना किसी बुराई से आपको बचने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इमाम हुसैन पे रो रहे हैं आपकी आखिरत आबाद, आपको जन्नत में जाने से बिल्कुल रोक नहीं सकता। क्या वाकई नहीं है? लेकिन तीसरा रास्ता जो वाकई बचता है कि आप दूसरी हदीसें भी तो देखिए, तो देखिए जन्नत में जाने वाली हदीसें बहुत सारी हैं, सिर्फ यही नहीं कि इमाम हुसैन को रोए थे जन्नत वाली, ये भी एक हदीस मैंने पढ़ा, समरुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कीमत क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम हुसैन को रो या ना रो, अगर कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जन्नत में चले जाओगे। इमाम हुसैन के गले पे खंजर फेर रहा है, कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में जाएगा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले जन्नत में जाएगा, चोर उचक्का बदमाश कुछ भी हो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में जाएगा। इस तरह के बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन अर्ज किया कि एक हदीस को देख करके फैसला नहीं किया जा सकता है जब तक कि दूसरी हदीसों को न देखें। एक जगह के ऊपर आम बयान किया जाता है, दूसरी जगह पर उसकी शर्तें बयान कर दी जाती हैं। चुनांचे यहां पैगंबर ने कहा समनुल जन्नते ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह है। वहां पैगंबर ने कहा, वहां पर इमाम सादिक ने फरमाया कि मन बका अला हुसैन वजबत लहुल जन्नत, जो हुसैन पर रोए जन्नत वाजिब है। मगर दूसरी हदीसें क्या कहती हैं, ला यनालु शफाअतना मन इस्तखफ्फ अस्सलात, जो नमाज को हल्का समझे उसे हमारी शफाअत नहीं मिल सकती है। वह इमाम बाकिर फरमाते हैं मन कान लिल्लाह मुतीअन फहुवा लना वली व मन कान लिल्लाह आसियन फहुवा लना अदू, जो अल्लाह का इताअत गुजार है वही हमारा चाहने वाला है, और जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारा दुश्मन है। मिलाइए दोनों हदीसों को, अब क्या माना निकलेगा? अब माना यह निकलेगा कि जो हुसैन पर रोए, कौन हुसैन पर रोए, वो नमाजी हो जो हुसैन पर रोए, वो खिदमत गुजारे खल्क जो हुसैन पर रोए, गुनाहों से दूर रखने वाला अगर हुसैन पर रोए तो उस पर जन्नत वाजिब है। सलात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिल्कुल सही है, हदीस के सही होने में कोई शक व शुबा नहीं, यकीनन पे हदीस मासूम है कि मन बका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्ना, हदीस सही है, मफहूम भी सही है, यकीनन हुसैन पर रोने वाला जन्नत में जाएगा, मगर वो जो दूसरी हदीसों में शर्तें बयान की गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। इसी तरह से अगर हुजूर यहां कहते हैं समनुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह,
जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसका मतलब ये नहीं है कि शिमर भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो भी जन्नत में चला जाएगा, उमर साहब भी जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि सारे के सारे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे ना। चूंकि दूसरी हदीस पैगंबर के फरमाते हैं मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखल जन्नत। अब यहां पे भी लफ्ज बढ़ गया, पहली वाली में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था, यहां क्या है जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। अब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, दायरा तन होने लगा, जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर इखलास का माना भी पैगंबर ने इसी हदीस में बयान कर दिया, वरना हम सब क्यों सबदा हुआ करते कि हमसे बड़ा मुखलिस कौन है। इखलास कहते किसे हैं, इखलास की पहचान क्या है। मोहम्मद अस्करी अगर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और मुद्दई है कि हम इखलास से कह रहे हैं, पहचान क्या है। हुजूर ने पहचाना हुआ पहचान बयान कर दी, वह इखलास हो गई ही अन यहजुहु ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हर्रमहुल्लाह। इखलास की अलामत ये, कैसे पता चले कि हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं इखलास की बुनियाद पे कह रहे हैं या यूं ही जबान से दोहराए जा रहे हैं। पैगंबर फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के इखलास से कहे जाने की पहचान ये है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से कहा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इंसान को गुनाहों से बचा दे। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है ये ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हमें उनसे बचा ले रहा है, इसका मतलब है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को इखलास के साथ कहा है। और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहे जा रहे हैं, झूठ भी भूले जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, गीबत भी किए जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, लोगों का हक भी हड़प रहे हैं, बेगुनाहों पर हाथ भी उठा रहे हैं, जालिमों की कासा लेसी भी कर रहे हैं, उनकी मदा सड़ाई भी कर रहे हैं, मजलूमों के खिलाफ महाद भी खड़ा कर रहे हैं, तो अलामत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबान से कह रहे हैं, इखलास यहां नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वो कीमिया है, वो एक सीर है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वाकईन खलूस से दिल से कहा जाए तो फिर गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कुछ अस्हाब सफर पे जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में भूख लगी। अब उस जमाने में होटल मोटल तो नहीं ना होता था कि वहां जाके खाना खा लेंगे, रेस्टोरेंट में खाना। देखा कि सहरा में चरवाहा है जो बकरियां चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है। एक साथी ने दूसरे साथी से कहा भाई इसके पास जाओ, एक बकरी का एक बच्चा एक मेमना इससे मांग लो, उसे ला करके हम लोग विवाह करेंगे, भून के खा लेंगे, फिर हमारा ये घर घर जाएगा, भूख मिट जाएगी। एक साहबी गया और जाने के बाद चरवाहे से कहा भाई एक बकरी का बच्चा मुझे दे दो, मेमना हमें दे दो। उसने कहा कि सरकार ये जो बकरी आप देख रहे हैं ये मेरी नहीं है, मैं तो चरवाहा हूँ, अमानत है लोगों की, लोगों ने मुझे अमानतन चलाने के लिए दिया है, मैं आपको कैसे दे दूंगा। देखो भाई तुम्हारे ये बकरी के बच्चे की कीमत है 10 दिरहम, मार्केट रेट 10 दिरहम है, हम तुमको 50 दिए देते, तुम्हारा जेब भर जाएगा हमारा पेट भर जाएगा, दोनों फायदे में। चरवाहे ने कहा कि बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, मगर एक मुश्किल है। का मुश्किल क्या है, का मुश्किल ये है जैसा कि मैंने कहा कि बकरियां मेरी नहीं है, मालिकों की है, उन्होंने अमानतन चलाने के लिए दिया है और उन लोगों को मुझ पर बड़ा भरोसा और एतमाद भी है, क्योंकि साहब ने कहा था कि देखो बकरी बच्चा हमें दे दो, जब मालिक पूछेगा तो कह देना भेड़िया खा गया। और आमतौर से होता रहता है सहरा में, जब लोग जाते हैं बकरियां चराने के लिए भेड़िए का हमला होता रहता, कोई नई बात नहीं है। उसने कहा हाँ आपने बात तो अच्छी कही है, बात तो पते की बताई है, लोगों को मुझ पर भरोसा भी है, अगर मैं कह दूंगा कि बकरी के बच्चे को भेड़िया खा गया तो किसी को मेरी बात पर शक भी नहीं होगा, सब मान फिरेंगे, मगर एक मुश्किल है।
अगर उस मुश्किल को आप हल कर दे तो मैं आपको, मुश्किल क्या है? का मुश्किल ये है कि जब कयामत के दिन अल्लाह ने सवाल कर लिया कि बकरी का बच्चा क्या हुआ, तो उसे भी क्या कहेंगे, भेड़िया खा गया। उससे भी कह सकते हैं कि भेड़िया खा गया। अपने मालिकों को तो हम बेवकूफ बना सकते हैं, खुदा को भी खुदा से कह सकते हैं भेड़िया खा गया। यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, दिल की गहराइयों में छुपे हुए राज को भी अल्लाह जानता है। लरजने लगे वो लोग, हम 10 साल तक पैगंबर की बस में रहे, ये सीख ना पाए। ये सहरा में रहने वाला चरवाहा, ये है तौहीद, ये तौहीद है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह है जो इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। अजीजों, अपनी डिक्शनरी से ये अल्फाज हमेशा के लिए निकाल दे। अरे अल्लाह करीम है, माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, माफ कर देगा। और इसी के सहारे हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। यकीनन अल्लाह करीम है, शर्त है तौबा, शर्त है तौबा, मतलब तौबा तौबे नसूह, न कि हर तौबा। यकीनन इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, तौबा की सूरत में अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। लेकिन तौबा किए बगैर हम ये अपने जगह तय किए बैठ जाए कि अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देगा, माफ कीजिए, कुरान के खिलाफ तो फतवा भी नहीं दिया जा सकता। कुरान वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा, साफ साफ लफ्ज़ों में कुरान कह रहा है कि हसद करने वाला इतना खतरनाक इंसान है कि खुदा पैगंबर से भी कहता इसके शर से अपने को बचा लिए। बखील के बारे में कुरान वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा, लदीन यकनिज़ून अज़्हब वल्फिज़ा वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबशिरहुम बिअज़ाब अलीम, इन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे। रियाकारों के लिए कुरान वादे लफ्जों में कह रहा है कि हम इन्हें जहन्नम में भेजेंगे, वैर इनका ठिकाना है। तो कुरान के खिलाफ तो हम नहीं कह सकते हैं ना कि कुरान कहता है कि बखील जहन्नम में जाएगा, हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह करीम है, माफ कर देगा। कुरान कहता है हासिद जहन्नम में जाएगा, हम कहते हैं अल्लाह करीम है, अल्लाह माफ कर देगा। कुरान कहता है कि रियाकार का ठिकाना वैल है, और हम कहते हैं अल्लाह करीम है, अल्लाह माफ कर देगा। यानी हम कुरान से बढ़कर के हो गए। कुरान के मुकाबले में हम गुफ्तगू कर सकते हैं। जहां तौहीद हुई, यकीनन तौहीद दुनिया और आखिरत में सुरखरुई का बाइस है, शर्त यह है कि तौहीद दिल में जगह बना ले। क्योंकि अल्लाह का ताल्लुक जबान से नहीं है, उसका रिश्ता दिल से कायम होता है। कयामत के दिन सजा और जजा जबान पे नहीं है, दिल पर है। कुरान की आयत है कि यौमा ला यनफाउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहा बिकल्बिन सलीम। कुरान कयामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, काम अगर आएगा तो कल्ब सलीम काम आएगा। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलातो व सलाम फरमाते हैं, कल्ब सलीम से मुराद वो दिल है जिसमें खुदा के सिवा कुछ न हो, जिसमें खुदा के सिवा कुछ ना हो, उसे कहते हैं कल्बे सलीम। अजीजों, जब किसी को तोहफा पेश किया जाता है तो तोहफा उसके शायाने शान दिया जाता है ना। अब किसके पास तोहफा लेके जा रहे हैं? अब मिसाल के तौर पर हमारे पास आए हैं कोई तोहफा लेकर के, तोहफे में क्या लाए हैं? ये जो है गिटार लेकर के आए हैं हमें, आप ये जो है इसका तोहफा तो नहीं ना पेश करेंगे। जिसे तोहफा दिया जाता है उसके शान के मुताबिक तोहफा दिया जाता है। तारीख में है कि जनाब यूसुफ मिस्र के गवर्नर बन गए, मिस्र के हाकिम बन गए, फरमारवा बन गए। तो उनके दोस्त अहबाब उनके पास गए मुबारकबाद देने के लिए, और सब अपने साथ कुछ न कुछ तोहफा लेकर के गए उनके लिए। एक उनका बड़ा करीबी दोस्त था, वो नहीं आया। जनाब यूसुफ को भी फिक्र थी कि वो नहीं आया जिसके आने के सबसे पहले उम्मीद की जा रही थी,
वही नहीं आया, कुछ मुद्दत के बाद वो दोस्त आया, और आने के बाद उसने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी मुद्दत कहां था, सबने आपकी खिदमत में तोहफा पेश किया मगर मैंने आपको कोई तोहफा न दिया। वजह यह है कि मैं मिस्र के बाजार में मैंने बहुत ढूंढा, ऐसा तोहफा जो आपकी शायान शान हो मुझे मिले ही नहीं, जो आपके शायान शान तोहफा हो मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मुझे आने में ताखीर हुई। उसके बाद उसने थैले से एक आईना निकाला और जनाबे यूसुफ के सामने रख दिया, कहा मैं तोहफे में आपके लिए खुद आप ही को लेकर के आया, मैं खुद आप ही को आपके लिए तोहफे में लेकर के आया। इसको तोहफा दिया जा रहा है, तोहफा वो हो जो शायान शान हो, ये अमल अल्लाह की बारगाह में हमारा तोहफा ही तो है ना, तो ये तोहफा अमल कम से कम ऐसा हो जिसमें इलाही रंग पाया जाता हो, ऐसा तोहफा हो जिसमें इलाही रंग पाया जाता हो, जिसमें गैरुल्लाह का रंग पाया जाए वो तोहफा हम अल्लाह की बारगाह में कैसे पेश कर सकते हैं। अमल वो हो जिसके अंदर इलाही रंग हो, इलाही रंग अगर पाया जाता है तब तो उसकी कीमत है वरना कीमत नहीं है। अजीजो अल्लाह की बारगाह में अमल को कमियत के लिहाज से नहीं तोला जाएगा, कैफियत के लिहाज से तोला जाएगा। बहुत से लोगों ने जंगें की, बहुत से लोगों ने जिहाद किया राह खुदा में, मौलाए कायनात ने भी जिहाद किया राह खुदा में, लेकिन वो सनद किसी को ना मिली जो मौलाए कायनात को पैगंबर ने दी। पैगंबर फरमाते ज़रबतो अलीन यौमल खंदक अफ़लो मिन अबादत सफलैन, खंदक के दिन अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली से पहले भी लोगों ने जिहाद किया है, अली के बाद भी लोगों ने जिहाद किया है, खुद कुरान मजीद अली से पहले वालों की जिहाद की तारीफ भी कर रहा है। वकाइन मिन नबीयिन कातला माहु रिब्बीयून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़ऊफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कितने ही नबी ऐसे थे जिनके हमरा जिनकी मईयत में जिनका साथ देने के लिए बहुत सारे रब्बानियों ने जंग किया जिहाद किया, इतना मुखलिसाना जिहाद उन्होंने किया कि राह खुदा में जो मुसीबतें उन्हें पेश आई मुसीबतों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, ना उन्होंने कमजोरी दिखाई, ना उन्होंने मैदान से फरार इख्तियार किया, डटे रहे मैदान में। अल्लाह इन डटे रहने वाले मुजाहिदों को दोस्त रखता है, उसके बावजूद वो शरफ उन्हें न मिला जो मौलाए कायनात को मिला। किसकी जरूरत को कहा गया है कि सकलैन से अफसल है, क्यों पैगंबर ने मौलाए कायनात की एक जरूरत को सकलैन की इबादत से अफजल करार दिया? बकिया मुजाहिदों के बारे में ये बात नहीं कही गई, क्योंकि जो इखलास का लेवल और दर्जा मौलाए कायनात के यहाँ पाया जाता था वो किसी और के यहाँ ना था। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद, कीमत अमल जो है इसकी बुनियाद वही वो इखलास है। अमल आसान है, इखलास पैदा करना मुश्किल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाते हैं इबकाउल अमल हत्ता यखलुस अशद्दु मिनल अमल, अमल में इखलास पैदा करना खुद अमल से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिर इमाम फरमाते हैं इखलास का मुराद क्या, किस चीज को इखलास कहते हैं? वाले इखलास अल्लाह तुरीदा अन यहमदका अला मा फअलता गैर अल्लाह, इखलास ये है कि तुमने जो काम किया है अपने इस काम पर अल्लाह के सिवा किसी और से तारीफ की उम्मीद मत रखो। अगर तुम मजलिस पढ़ करके खिताबत के दौरान आवाम से वाह-वाह की उम्मीद रखते हो तो इखलास नहीं है। आपने ये जो है मजलिस का इंतजाम किया, प्रोग्राम किया, तबर्रुक बांटा, खूब अच्छा था तबर्रुक बांटा, और तवक्को ये है कि लोग तारीफ करें। आप खिदमत खल्क के लिए मैदान में आ गए, कौम की हिमायत के लिए, कौम के दिफा के लिए आ गए, मगर कौम ने आपको घास न डाली, अब आप नाराज हो गए, खफा हो गए। नहीं नहीं बताओ, इतना हमने इस कौम के लिए किया, कौम ने हमें ये इसका सिला दिया, इसका मतलब है कि आपके यहाँ इखलास नहीं है। इखलास की पहचान इमाम बयान फरमाते हैं कि खुदा के सिवा
किसी और से तुम्हें तारीफ हो तमजीद की तवक्को न हो। अदीदो अगर ये इखलास करबला वालों के पास न होता ना तो ये करबला वजूद में ना आती, ये करबला वजूद में ना आती। कुरान हुसैन में मैदान करबला में किसके लिए आए थे? कौम ही की तो जो है फलाह व बहबूद के लिए आए थे मैदान में, काहे के लिए आए थे? कौम की सुरखुरुई के लिए आए थे, कौम को नजात दिलाने के लिए आए थे, कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए थे, कौम को जहन्नम से बचा के जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए इमाम हुसैन आए थे। और कौम ने क्या सलूक किया इमाम हुसैन के साथ? क्या सलूक किया? इमाम हुसैन तो जानते भी थे ना कि कौम क्या सलूक करेगी, हमारे हम की जगह होते तब तो चुपचाप बैठ जाते घर में, भैया ये कौम इस लायक नहीं जिसके लिए कुछ किया जाए। करबला अगर वजूद में आई तो इसलिए आई कि उनका अमल सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। वो आखिरी लम्हा इमाम हुसैन का, वो आखिरी लम्हा और वो आखिरी जुमले जो इमाम हुसैन के उस वक्त अदा हुए हैं जब शिवर सीने पे सवार था, गले पे खंजर रखा था, 1900 जख्म तने चाक चाक पर। उस वक्त ईमान का जुमला के इलाही जे तो होना ले तकून अन्नी राजिया, खुदाया मैं यहां इसलिए आया हूं कि तू राजी हो जाए। ये सारी मुसीबतें, ये सारी मुश्किलें इसलिए नहीं है कि आने वाली नस्लें हमें याद करेंगी, हमारे मजलिसें मुनाकिद करेंगी, हमारा मातम करेंगी, हमें खराज अकीदत पेश करेंगी। नहीं नहीं, ये हुसैन के दिल की आरजू नहीं है, ये तो खुदा का तोहफा है हुसैन के लिए। आज अगर हम हुसैन को याद करते हैं ये अल्लाह का अदिया है हुसैन के लिए, क्योंकि कुरान का बयान है अल्लदीना आमनु वअमिलु सालिहात यजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, जो ईमान के हमरा अमल सालिह बजा लाते हैं अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में डाल देता है। इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि लोग उन्हें याद करें, जिंदाबाद हुसैन के नारे लगाए जाए, लब्बैक या हुसैन कहा जाए, नहीं, हुसैन ने तो कुर्बानी दी है रिदाए खुदा के लिए। अब क्योंकि हुसैन ने रिदाए खुदा के लिए कुर्बानी दी है, ये खुदा का तोहफा है हुसैन के लिए। हुसैन तुमने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम हम कायम कर देंगे। आज जगह जगह अगर हुसैन को याद किया जाए, हुसैन और उनके साथ जो 72 शहीद हुए या जो असीर किए गए, सबके हाँ एक ही चीज जो है मुश्तरक है, वो है इखलास, वो है रज़ाए खुदा, वो है खुशनुदी खुदा। खुशनुदी खुदा के लिए जो मुसीबत भी पेश आ जाए उनके यहाँ फर्क नहीं, हर मुसीबत को कबूल करने के लिए तैयार है। अजीदो जो करबला में शहीद हो गए अथरे आशूरा, उनकी तो मुसीबतें खत्म हो गई, लेकिन जो असीर किए गए उनकी मुसीबतें खत्म हुई है। करबला की मुसीबत एक तरफ, शाम की मुसीबत एक तरफ। जब कभी इमाम सज्जाद से पूछा जाता था मौला इस सफर में सबसे ज्यादा मुसीबत आप पर कहां पड़ी, करबला की मुसीबतें कुछ कम तो नहीं है ना? करबला की हर मुसीबत अपनी जगह पर मुसीबत अजीम है। कासिम की लाश का घोड़े के टापों से पामाल हो जाना कोई मामूली मुसीबत है? अब्बास के शानों का कलम हो जाना कोई मामूली मुसीबत है? अली अकबर के सीने पर पंछी लगना कोई मामूली मुसीबत है? 6 महीने के बेशीर के गले पर भुतमुना का सेशोभा तीर। इमाम से जब पूछा जाता था मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां हुई, इमाम ने करबला का नाम नहीं लिया। जब भी पूछा गया इमाम यही कहते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। सुनेंगे शाम की मुसीबत क्या है तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं, तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि शाम में जब हमें दाखिल किया गया, इस तरह से दाखिल किया गया है, अश्तिया नंगी तलवारें लिए हुए नैजे और तलवारों से हमें धमकियां देते थे, शुहदा के सर बीवी
के ऊंट के पास ला करके रख दिए गए थे ताकि लोगों की निगाहें बीवियों के चेहरों पर पड़ती हो। इमाम फरमाते हैं मेरे बाबा मेरे चचा का सर मेरी पुत्री ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सामने और कासिम अली अकबर का सर सकीना फातिमा कुबरा के सामने अश्किया सरों से खेलते रहते थे सरों को उछालते रहते कभी कभी ये सर नैदों से गिर के घोड़े की टापों के नीचे आ जाते थे। हमें जब महलों से गुजारा जा रहा था तो छतों पे चढ़ी हुई औरतें हमारे ऊपर कूड़ा फेंकती थी हमारे ऊपर पानी फेंकती थी हमारे ऊपर अंगारे बरसाती थी। हमें शाम में यहूदियों के महले से गुजारा गया और ये ऐलान किया गया यही है जिन्होंने खैबर खंदक में तुम्हारे बुजुर्गों को मारा है इनसे जितना इंतकाम लेना हो ले लो आज इनका कोई एहतराम नहीं है। अल्लाह शाम कोई मामूली मुसीबत नहीं है। सुबह पे शाम हो गई घुमाते घुमाते रात में यजीद के दरबार में दाखिल किया गया। इमाम फरमाते हैं यजीद के दरबार के सात दरवाजे थे सात दरवाजों से गुजर के तब अंदर पहुंचा जाता था। हर दरवाजे पर गुलाम और कलीज खड़े थे सबके हाथ में कोड़े थे। ये हुसैन का सर है